भाई लोग सॉरी, मैं मंडे नाइट रॉ की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो की शुरुआत करते हैं जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस मैच में जो हुआ है ना भाई, क्या बोलूँ। सोलो सिकोवा और जेकब फाटू टिकट लेके आ जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास टिकट है, तू हमें कुछ नहीं फाड़ सकता जे उसो को। फिर टुंगा टंगा आ जाते हैं और जे उसो को डिस्ट्रैक्ट करके कर देते हैं। और इस मैच में अच्छा एक मोमेंट दिखता है जिसमें कि ब्रॉन ब्रेकर सोलो सिकोवा को स्पीयर मार देते हैं। बाद उनके टट्टू जेकब फाटू आते हैं, बोलते हैं तूने मेरे सरदार को कैसे हाथ लगाया पे। और जेकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ होता है इस मैच में, जो कि हो सकता है हमें फ्यूचर में इन दोनों का फ्यूड देखने मिले। मैच जे उसो हार जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। जैसा कुछ बातचीत चल रही थी पिछले स्मैकडाउन में जे उसो और रोमन रेंज के बीच, रोमन रेंज को बचाने आ जाना चाहिए था यार, बेचारे को अकेला छोड़ दिया जे उसो को। जे उसो के साथ जो हुआ है ना, पूरा ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के चक्कर में हुआ है। इन लोगों ने ब्लड लाइन की स्टोरी के चक्कर में बेचारे का सिंगल टाइटल रेंज बर्बाद कर दिया, जो कि उसे 16 साल के बाद मिला था। ट्रिपल एच रून हिट्स करियर। और भाई आर्थ्रूथ ने लगा दिया मिस के मिस और फाइनल टेस्टिमेट के पीछे वाइट सिक्स को। रॉ पे वाइट सिक्स फाइनल टेस्टिमेट पे अटैक करते हैं। अंकल हाउडी मिस को सिस्टर एल्बिगेल मारने वाले होते हैं, पर पॉल लेलरिंग मिस की जगह खुद खा लेते हैं शॉट। मतलब हमें अब फाइनल टेस्टिमेंट और वाइट सिक्स का फ्यूड देखने मिलेगा। और वहीं एनएक्सटी में एक न्यू रेसलर का डेब्यूट हो चुका है, उसका नाम कुछ जारिया करके है, वो अब आ चुकी है एनएक्सटी में। तो भाई लोग समंथा ने जो रिंग अनाउंसर थी उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर दिया है और अभी न्यू अनाउंसर है लिलियन गार्सिया।